question is, if the embryonic cells are divided into two groups 8 days after the zygote formation, then there is high possibility of formation of. अगर कहते हमारे पास zygote formation के 8 दिन बाद हमारे पास जो structure है, जो कि cleavage के बाद हमारे पास most probably blastula होगा. ब्लास्टूला की अगर दो फॉर्म्स में, मतलब दो पार्ट्स में डिवीजन हो जाती है, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा चांसेस कौन सी स्ट्रक्चर बनने के हैं. अगर देखो ट्विन्स बनाने हैं तो हमारे पास दो तरह के ट्विन्स होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स एंड डाइजाइगोटिक ट्विन्स. इन केस ऑफ डाइजाइगोटिक ट्विन्स, दो एग्स की, मतलब दो डिफरेंट एग्स की दो स्पर्म्स के द्वारा फर्टिलाइजेशन होती है, उस केस में हमारे पास डाइजाइगोटिक ट्विन्स बनेंगे जो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि दो अलग एग्स थे, दो स्पर्म्स आए डिफरेंट, उनको फर्टिलाइज किया और दो यंग वंस की फॉर्मेशन हुई. और वो दो बॉय भी हो सकते हैं दोनों, और एक गर्ल और एक बॉय भी हो सकते हैं, और दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं. मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में हैं, अगर अर्ली स्टेजेस में जाइगोट दो में डिवाइड हो जाए, इस केस में जेनेटिकली सिमिलर बच्चे पैदा होते हैं और दोनों का जेंडर भी सेम होता है, या तो दोनों गर्ल्स पैदा होंगी या दोनों बॉयज. अगर इतना लेट कोई जाइगोट डिवाइड करेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो बच्चे पैदा होंगे, जो ट्विन्स पैदा होंगे, वो कोई ना कोई ऑर्गन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे. लाइक आप नॉर्मली टीवी वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में देखते हो कि दो बच्चों के 3 लेग्स हैं, मतलब कि एक लेग जुड़ी हुई है, या फिर स्टमक वाला एरिया जुड़ा हुआ है, या फिर पूरा एरिया जुड़ा हुआ है, बस दो हेड प्रेजेंट है, उन्हें हम सियामीज ट्विन्स बोलते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज़ बी. ऐसे केस में ज़्यादातर सियामीज ट्विन्स बनने के चांसेस रहते हैं.